जैसे मैं अगर लेता हूँ, मान लीजिए मैं ठेकेदार नहीं हूँ या मैं कोई काम कर नहीं रहा हूँ, पर अगर ये मशीन मैं खरीदना चाहूँ तो इस मशीन का मैं उपयोग कैसे कर सकता हूँ जिससे मेरी एक इनकम बन सके? सर, यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है जी, और यदि कोई बेरोजगार व्यक्ति उसको रोजगार की तलाश है, जी, वो रोजगार करना चाहता है जी, तो उसके लिए यह मशीन हमारी बहुत ही बढ़िया कमाई का उसका एक जरिया बन जाएगा जी। एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको बताना चाहूंगा। ये मशीन कैसे काम करती है, इसका उपयोग क्या है? सर, ये जो मिक्सर मशीन है, हमारी लिफ्ट मिक्सर मशीन, जैसे हमारी अन्य ये मिक्सर मशीन है जी, बिना लिफ्ट वाली जी, यह मशीन सिर्फ रोड में और नाले में काम आता है, पुलिया में काम आता है। मतलब ये जो ठेकेदारी का काम होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है जी, ये कंस्ट्रक्शन वर्क को करने के लिए ये मशीन का उपयोग किया जाता है। ये जो है ये नॉर्मल मिक्सर मशीन है, नॉर्मल मिक्सर मशीन है जिसको सीसी रोड, आरसीसी नाली या फिर घर के नॉर्मल कामों में ढलाई के लिए उपयोग किया जाता है, कंक्रीट को मिक्स करने के लिए। इस मशीन में और इस मशीन में अंतर क्या है? इस मशीन में यह जो छोटी मशीन काम करती है जी, ये जो हमारा लिफ्ट लगा हुआ है, अच्छा, फोल्डिंग सिस्टम है, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है जी, फोल्डिंग सिस्टम है जी, इसको यहाँ से खोल के जी, और ये दो नट यहाँ से खोल कर लिफ्ट को अलग कर देंगे जी, उसके बाद ये लिफ्ट मशीन, वो जो छोटी मशीन है उसकी तरह भी यह मशीन हमारी काम करने लगी। और उसके अलावा यह मशीन एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल से लेके 10 मंजिल ऊपर छत जो ढलते हैं, 10 मंजिल तक हमारी ये मिक्सर मशीन काम करती है। मतलब ये जो मशीन है, इसकी खासियत ये है कि ये बिल्डिंग बनाने के काम आती है जी। हाँ, मतलब एक मंजिल से ऊपर अगर किसी को घर बनाना है, जैसे ये आपका कितना, 2 फ्लोर का है, 3 फ्लोर है, तो इस ऐसी अलग अलग फ्लोर बनाने के लिए इस मशीन का काम होता है। हाँ, इसमें आप ये मिक्सिंग भी करेगा, ये जो आप हांडी देख रहे हैं, ये आपकी हांडी है ना जी, हांडी, इस हांडी में हम कॉन्क्रीट को मिक्स करते हैं और मिक्स करके इस लिफ्ट में डालते हैं जी, और यहाँ पे नट बोल्ट जोड़ते जाएंगे और एक मंजिल, दो मंजिल से लेकर 10 मंजिल तक ऊपर तक ये जा सकता है। अच्छा, और डायरेक्ट मिक्सिंग होने के बाद, हंडी मार डालने के बाद लिफ्ट में आएगा और लिफ्ट पूरा 10 मंजिल तक ऊपर लिफ्ट लेके जाएगा। मतलब आदमी की आवश्यकता नहीं है, ऊपर ले जाने की आदमी की आवश्यकता नहीं है, अपने आप जाएगा। अपने आप ये कैसे जाएगा सर? इसके लिए हम यहाँ से इंजन स्टार्ट करते हैं, इंजन स्टार्ट करने के बाद आपको मैं क्लिपिंग दे दूंगा। यहाँ से लिफ्ट हमारा चढ़ता है और ये लिफ्ट आगे ये चालू, ऊपर यहाँ से लिफ्टिंग करेंगे, ये सीधा ऑटोमेटिक ऊपर लिफ्ट लग जाएगा, ऊपर जाएगा। अच्छा, इसमें जो आप पुल्ली लगाए हैं जी, ये आपकी पुल्ली लगी हुई है जी, इस पुल्ली के थ्रू ये ऊपर खींचते जाएगा, चैन ऊपर जाएगा, चैन ऊपर जाएगा, ये पुल्ली की तरह काम करेगा, आपकी ये लिफ्ट जो है ये ऊपर जाती जाएगी जी। ठीक है, ये इसमें जो टायर लगे हैं, टायर ये हम एक्साइड कंपनी का लगाए हैं, एक्साइड कंपनी का नया टायर होता है जी, जो 6-16 टायर होता है जी, और बहुत ही बेहतरीन इसकी सर्विस है। अच्छा, और इसमें जो हम ये हिच लगाते हैं, ये 3 का चैनल का हिच लगा हुआ है जी। इसमें क्या होता है कि कभी किसी को लेबर ज्यादा हो गए तो एक दो लोग उसमें बैठ भी जाए, इसमें हिच लगा दिए हैं, और साथ में ट्रैक्टर की तरह इसमें ट्रैक्टर पिन लगा। इसके रख रखाव में क्या कोई मेंटेनेंस चार्ज है इसका? इसमें रख रखाव में कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, इसको जब हम चालू करेंगे तो सिर्फ ऑयल और डीजल ग्रीस, इसमें हर जगह हमारे ऑयल पॉइंट दिए हुए हैं जी, ऑयल पॉइंट यहाँ पर है ऊपर में हर जगह दिए हुए हैं जी, वो हम जो मशीन लेते हैं उनको बता देते हैं कि ऑयल कहाँ कहाँ डालना है जी, उनके ऑयल हर जगह डालेंगे, और जब मशीन भी चालू करेंगे इंजन में ऑयल गेज चेक करेंगे, ग्रीसिंग चेक करेंगे, और इसमें कहीं कोई मेंटेनेंस नहीं है। आप धूप में मिश्रा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, सपोज ये मशीन मैं लेता हूँ तो इस मशीन को लेके मैं इसके साथ कैसे कोई बिजनेस कर सकता हूँ या कैसे इस मशीन को लेके एक इनकम कमा सकता हूँ? सर, ये जो हमारी मशीन है, यदि आप लेते हैं या कोई अन्य पर्सन लेता है जी, या कोई ठेकेदार व्यक्ति है, कॉन्ट्रेक्टर है, वो लेता है तो अपने खुद के काम में यह काम को लगा के और मशीन को चला सकता है। जैसे मैं अगर लेता हूँ, मान लीजिए मैं ठेकेदार नहीं हूँ या मैं कोई काम कर नहीं रहा हूँ, पर अगर ये मशीन मैं खरीदना चाहूँ तो इस मशीन का मैं उपयोग कैसे कर सकता हूँ जिससे मेरी एक इनकम बन सके? सर, यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है जी, और यदि कोई बेरोजगार व्यक्ति उसको रोजगार की तलाश है, जी, वो रोजगार करना चाहता है जी, तो उसके लिए यह मशीन हमारी बहुत ही बढ़िया कमाई का उसका एक जरिया बन जाएगा जी। एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए किसी की छत की ढलाई करनी है जी, तो 2000 स्क्वायर फीट छत ढलाई है, सिर्फ छत बिल्डिंग छोड़ दें, बीम और छत मिला के 3000, 4000, 5000 भी होता है, पर एवरेज में 2000 की मान लेता हूँ जी, उस हिसाब से आज मार्केट में जो रेट चल रहा है
7 रुपया, 8 रुपया, 9 रुपया, 10 रुपया स्क्वायर फीट छत की ढलाई होती है। छत की ढलाई का जी। मैं दोनों बीच में 8 रुपया मान लूं, 8 रुपया स्क्वायर फीट, तो 8 × 2 = 16,000 रुपए। 16,000 रुपए इस मशीन की एक दिन की कमाई होती है। जैसे कि अगर आप घर बना रहे हैं तो आपके घर में अगर सिर्फ छत की ढलाई करने के लिए मैं आता हूँ, मेरे पास ये मशीन है, तो मैं एक दिन अगर काम करूंगा तो मुझे 16,000 रुपए इस मशीन से बच जाएगा। बचेगा नहीं सर जी, 16,000 रुपए का आप इसमें काम करेंगे। काम करेंगे तो उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है जी। इसमें दो आदमी लग, दो रेजा कुली जो भी लगते हैं रेती के लिए, दो लोग लगते हैं गिट्टी के लिए, और एक आदमी लगता है नीचे सीमेंट डालने के लिए जी। और एक जो मिस्त्री होता है वो यहाँ खड़े होकर मशीन को चलाता है जी। और वही व्यक्ति यहाँ पानी डाल देता है मशीन में जी। तो 5 आदमी मशीन में लगते हैं और एक मिस्त्री लगता है नीचे, ऊपर में 2 लोग जो मसाला ऊपर लिफ्ट में ऊपर जाता है, वहां जाने के बाद 2 आदमी लगते हैं उसको इकट्ठा करने के लिए, और फिर वो कुछ घमेला बोलते हैं या तगाड़ी बोलते हैं, तसला बोलते हैं, उसमें माल भर के, और 4 लोग उसको पूरे उसमें फैला देते हैं, छत में फैला देते हैं जी। तो उसके लिए भी हमारी जो कंपनी है, छत में लेबर कम लगे, एक स्लैब ट्रॉली बनाई हुई है जी। उसमें ऊपर लेबर कम लगते हैं। अच्छा। मैं स्लैब ट्रॉली घोटा के लेबर की बात करूं तो 2 लोग उसको इकट्ठा करने वाले और 4 लोग उसको फैलाने वाले, 6 लोग ऊपर लगते हैं, 6 × 12 एक आदमी एक्स्ट्रा लिए 13 आदमी। टोटल 13 आदमी इस मशीन को चलाने के लिए आवश्यकता होगी, मैक्सिमम 13। और मिनिमम कितने में कर सकते हैं? मिनिमम उसमें एक दो और आगे पीछे कर सकते, ज्यादा नहीं, इतने तो लगने लगने हैं। मतलब 10 से 13 आदमी लगेंगे ही लगेंगे जी। और एक आदमी की रोजी हम क्या पकड़ सकते हैं? अब हर स्टेट में, हर शहरों में अलग अलग है जी। जैसे गुजरात में 150-200 रुपए भी है, शहरों की बात करो 300-350 रुपए भी है। जैसे गुजरात या महाराष्ट्र की बात करें जहाँ लेबर कम है, वहाँ 300 से 500 रुपए रोजी है। छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा या कर्नाटका या और किसी स्टेट की बात करें तो वहाँ 150 रुपए से लेकर 250 रुपए तक का लेबर रेट। हम लेबर की बात करें जी, तो एक लेबर एवरेज में हम 300 रुपए मान लेते हैं जी। तो 13 लेबर हैं तो 13 लेबर को 400 रुपए एवरेज 4,000 मान लेते हैं जी। एक मिस्त्री और एक्स्ट्रा प्लस करते थे 500 रुपए का, 4,500 रुपए में हमारी मशीन लेबर का काम हो जाता है जी। उसके बाद इसमें 600 से 700 रुपए का डीजल खर्च है। 600 से 700 रुपए एक दिन का, पूरा दिन यदि बहुत बड़ा ढलाई करते हैं तो जी। क्योंकि ये जिसकी डीजल खपत है 1 घंटे में 1.25 लीटर के आसपास है। 1 घंटे में 1.25 लीटर तो लगभग 8 घंटे अगर हम काम करते हैं, 800 रुपए में 8 घंटा काम नहीं होता है, 6 से 7 घंटे ही काम होते हैं अधिकांशतः, कभी लंच हो गया कभी बैठ गया जी, जी। तो 500 से 600 रुपए का इसमें डीजल लगता है। 5,000 पकड़ लीजिए आप, टोटल 5,000 रुपया टोटल खर्च हो गया जी। और लाने ले जाने का भाड़ा 1,000 रुपए मान ले, 2,000 माल, 1,000 मान ले, 1,000 मान लीजिए, 2,000 रुपए और अन्य खर्च, अन्य खर्च हाँ जो भी खर्च मान लीजिए जी, तो 6 और 2 8,000 रुपए 8,000 रुपए हमने खर्च कर दिए। फिर भी हमारी पर डे की जो इनकम होती है इस मशीन से 8,000 रुपए शुद्ध प्रॉफिट आपके हाथ में आएगा। अच्छा, मतलब अगर हम एक छत की ढलाई करते हैं तो लगभग एक दिन में 8,000 रुपए हम इस मशीन से कमा सकते हैं। पर ये काम हमेशा तो मिलेगा नहीं, छत ढलाई का मान लीजिए काम नहीं मिला तब क्या करेंगे? तो एक एवरेज हम मान के चल रहे हैं कि महीने में 30 दिन होते हैं जी, तो 30 दिन में 15 दिन ही काम चले जी, 15 दिन काम चलता है तो 1,20,000 रुपए आपको शुद्ध प्रॉफिट बचते हैं। और यदि इसके एवरेज और माइनस कर देते हैं, महीने में 10 दिन का भी आपको काम मिलता है, मान लीजिए आप नए हैं, आप ज्यादा काम नहीं मिल पा रहा है, वैसे ये काम मशीन कभी खाली नहीं रहती है, जो एरिया में होता है तो लोगों कहीं ना कहीं पर डे काम रहता है। 10 दिन की बात करूं तो 10×8 = 80,000 रुपया एक महीने में आपको पास शुद्ध। अच्छा मिश्रा जी, मान लीजिए मेरे पास लेबर नहीं है या मेरे को कार्य का अनुभव नहीं है क्योंकि मैं नया हूं, तो मैं लेबर लगा के छत की ढलाई नहीं करना चाहता, तब मैं इस मशीन से कैसे कमा सकता हूं? आपको सर बिल्कुल क्वेश्चन बहुत सही है जी। यदि आप कहीं कुछ काम करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो आज मार्केट में बहुत सारे ठेकेदार लोग हैं और जो ऐसे जो बेरोजगार है जिनके पास पैसे नहीं है, वो लोग भी मशीन किराए में लेके और मशीन चलाते हैं। अच्छा। इस कंडीशन पे एक दिन की जो मैं अपने शहर की बात करूं तो 7 से 8,000 रुपया एक दिन का मशीन का किराया है, सिर्फ मशीन का किराया, मशीन का किराया 6 से 7,000 रुपया है। तो कहीं ज्यादा कहीं कम किसी शहरों में ये उसकी जरूरत के अनुसार है, फिर भी एक एवरेज 3,000 से 6,000 रुपया प्रतिदिन ये सिर्फ मशीन का किराया है। अच्छा, मतलब अगर मैं खुद काम नहीं करता हूँ, ये किसी को दे देता हूँ किसी ठेकेदार को, तो भी मैं मिनिमम 5 से 6,000 और मैक्सिमम 8 से 10,000 रुपए में
कर सकता हूं। सीजन के अनुसार होता है, यदि सीजन है तो इसका डिमांड ज्यादा होता है और ज्यादा होगा तो उसका रेट भी ज्यादा हो जाता है। बहुत अच्छी बात। दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मशीन तो बहुत जगह और अवेलेबल है, दूसरे लोग भी ये मशीन बनाते हैं और बेचते हैं, तो ये मशीन हम सिर्फ आपसे ही क्यों लें, किसी और जगह से क्यों ना लें? सर, जो हम मशीन बना रहे हैं, हमारी कंपनी बना रही है मोहन मिश्रा मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड जी, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ कि आज जो ब्रांड और जो मशीन जो लोहा भारत के अंदर हमारी कंपनी मोहन मिश्रा मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड आज बना रही है, ये कोई नहीं बना रही है। सर, लोहा तो वही है, लोहा जो आप लगा रहे हैं वही लोहा दूसरे भी लगा रहे हैं। जी, जी जी। आज हमारी मशीन को देख के लोग नकल करने लगे या नकल करें वो बात अलग है, मैं लोहे की ही बात करता हूँ। तो सर, आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो शाफ्ट होता है यहाँ पर जी, यह शाफ्ट पूरे मार्केट में, पूरे भारत की बात करता हूँ, कहीं भी आप देखेंगे 48 mm का शाफ्ट लगता है या यूं कहूँ 2 inch का शाफ्ट लगता है जी। हमारी कंपनी उसमें 2 inch के शाफ्ट में 0/16 की बेयरिंग लगती है, लेकिन हमारी कंपनी मोहन मिश्रा मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड ये 58 mm का शाफ्ट लगाती है और उसमें जो बेयरिंग लगते हैं ये 0/18 की बेयरिंग लगती है। अच्छा। जो पूरे भारत में हमारी कंपनी के अलावा कोई नहीं लगाता है जी। साथ में हम जो रस्सा लगाते हैं 12 mm का रस्सा लगाते हैं और जो स्टार गियर है, स्टार गियर भी साथ में हम एक लोहे का प्लेट लगाते हैं 8 mm का। अच्छा। इससे क्या है, कभी इसमें कोई शिकायत भी आई तो ये लोहे का जो प्लेट है वो मशीन की इसकी लाइफ को बढ़ा देता है और कोई दुर्घटना होने से ये रोक लेता है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आज मिली आपसे। इसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगा मिश्रा जी, आप ये छत्तीसगढ़, MP, इंडिया या इसके इंडिया के अलावा भी बाहर आप मशीनें एक्सपोर्ट करते हैं जी। आप भेजते हैं बाहर मशीन? हमारी मशीनें भारत के सारे राज्य में जाते हैं, इसके अलावा भारत के बाहर भी हमारी कंपनी एक्सपोर्ट करती है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी जानकारी मिली। इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी और लेना चाहूंगा आपसे, अगर हम आपसे ये मशीन खरीदते हैं तो मशीन की कॉस्ट क्या आएगी और हमको आपसे मशीन खरीदने में इस मशीन के अलावा और क्या बेनिफिट आप दे सकते हैं? सर, एक चीज आपको और बताना चाहूंगा साथ में जी, कि जो हमारी कंपनी है मोहन मिश्रा मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड, यह अभी बिलासपुर जो हमारा हेड ऑफिस है छत्तीसगढ़ में यहाँ पर है, इसके साथ में हमारा एक ब्रांच ऑफिस बटाला पंजाब में भी ओपन हो चुका है और बहुत जल्दी भारत देश के सभी बड़े शहरों में हमारी मोहन मिश्रा मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांच ऑफिस ओपन होने वाली है। इसलिए रेट की कैलकुलेशन की बात करें हम, तो हमारा उद्देश्य होता है कि कम से कम कीमत पे हम अपने ग्राहक तक उस मशीन को पहुंचाएं जी। तो जो लोग जहां से फोन करते हैं तो हम उनसे पूछते हैं उन किस शहर से फोन कर रहे हैं जी। और वहां से हम एक कैलकुलेशन लगाते हैं कि उनकी कीमत, ट्रांसपोर्ट चार्ज क्या होगा जी। जिस ब्रांड से सस्ता पड़ता है हम उस ब्रांड से उस पार्टी को मशीन भेज देते हैं। अच्छा। इसलिए रेट के लिए जो बात करूं सर, तो रेट जो सामने आते हैं कस्टमर, उस ग्राहक के अनुसार हम उसे रेट देते हैं, उसे क्या बेस्ट प्राइस हम दे सकते हैं ताकि उसे कम कीमत पे अच्छा सामान और अच्छी क्वालिटी का सामान और बिजनेस करने का सुनहरा अवसर मिल सके। धन्यवाद। अगर इसमें कोई पार्ट्स खराब होता है या एक्सचेंज करना होता है या बदलना चाहें तो वो भी आप प्रोवाइड करते हैं? सर, ये हमारा जो मशीन हम लगाए हुए हैं जी, हमारी कंपनी तो हर जगह आपको मशीन सामान मिल जाता है। प्लस सबसे बड़ी चीज इस मशीन की खासियत ये है, यह मशीन ऐसी बनाई गई हुई है 72 दाँत का जो थाल ग्रार या 108 दाँत का रिंग ग्रारी, ये पूरे भारत में किसी भी शहर में कहीं भी आप लेना चाहें तो जो सामान हर जगह मार्केट मिलता है वही सामान हम लगाते हैं। इसमें ऐसा हमने कुछ नहीं किया है अलग कि सिर्फ हमारे यहाँ सामान मिलेगा। अच्छा। हमारा उद्देश्य यह है कि ग्राहक को परेशानी ना हो, जो जिस शहर में है वही उसको सामान इसका अवेलेबल हो जाए। ठीक है मोहन जी, इस मशीन के बारे में हमें काफी अच्छी जानकारी मिली आज। छत की ढलाई के लिए कौन सी मशीन? स्लैब ट्रॉली मशीन। इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा और भी मशीनरीज जो इनके पास मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए हम अलग अलग वीडियोस में उसको लेके आते जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा और आप इस लिफ्ट मिक्सर मशीन का उपयोग करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों। मोहन मिश्रा जी के सपनों को अब साकार बनाना है, असली और मजबूत मशीनें, असली और मजबूत मशीनें ग्राहक तक पहुंचाना है।